الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم इससे पहले की आयतों में अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने से मना किया गया था, साथ साथ अपनी आवाज़ों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर बुलंद करने से भी मना किया गया था। इसी तरीके से जिस तरह आदमी आपस में आमियाना अंदाज में बेतकल्लुफ होकर गुफ्तगू करता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने में एहतियात का तरीक़ा सिखलाया गया कि आम अंदाज में उनसे गुफ्तगू ना की जाए। फिर ये बात आपके सामने आई थी कि जो इंसान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खामोशी इख्तियार करता है या अपनी आवाज़ को धीमी करता है, दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इंसान के दिलों का जांच कर लिया है कि वो तक्वा और तहारत के एतबार से इस लायक है कि वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ सके और उसे मुत्तकी और परहेजगार होने का सर्टिफिकेट दिया जा सके। फिर ये बात भी आई थी कि अगर कोई इंसान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहे तो तरीक़ेकार यह है कि उनकी मस्जिद में उनसे मुलाकात की जाए या मजलिस में उनसे बातचीत की जाए, मुलाकात की जाए। मजलिसों के बर्खास्त होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने घर में चले आते हैं तो बाद में आने वाले इंसानों के लिए ज़रूरी है कि वो आपका इंतज़ार करे, ना कि उनका दरवाज़ा जाके पीटना शुरू कर दें। और ये बात बताई गई थी अगर कोई इंसान सब्र करता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में दखल अंदाजी या खलल अंदाजी नहीं करता है तो यही उनके हक में बेहतर है। और बिल्कुल आखिर में बात आई थी अगर कोई ख़बर किसी फासिक की जानिब से आप तक पहुँचाई जाए तो आपके लिए ज़रूरी है पहले उस खबर की तफ्तीश और तहकीक कर लीजिए, जायज़ा ले लीजिए, जांच कर लीजिए। अगर वाकई वो खबर सही है तो उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया और बिला तहकीक के बगैर किसी तफ्तीश और जांच भटक गए, आपने उस खबर पर अमल करना शुरू कर दिया तो बाद में सिवाय निदामत व शर्मिंदगी के और कुछ उठाना नहीं पड़ेगा। इसलिए निदामत व शर्मिंदगी से बचना हो तो पहले तहकीक और तफ्तीश कर लिया। बात की आयतों में भी इसी अंदाज से कुछ अहकाम दिए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम माशरे और उसके समाज में इस्लाह मुमकिन हो सके। वअलमु अन्न फीकुम रसूलल्लाह लव युतीयुकुम फी कसीर मिनल अम्र लअनितुम। जान यकीनन तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लव युतीयुकुम फी कसीर मिनल अम्र, अगर ये तुम्हारे बहुत सारे मामलात में तुम्हारी बात मानना शुरू कर दे, लअनितुम तो तुम खुद मुश्किल में पड़ जाओ। वलकिन अल्लाह हब्बब इलैकुम अल ईमान,
लेकिन अल्लाह तबारक बताला ने तुम्हारे सामने ईमान को महबूब बना दिया। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों में इस ईमान को आरास्ता और पैरास्ता करके डाल दिया, मुज़य्यन करके डाल दिया। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसियान, और अल्लाह ने कुफ्र से, फिस्को फजूर से, इसियान और नाफरमानी से तुम्हें नफरत दिला दिया है। उलाइकुमुर राशिदून, ऐसे ही लोग हिदायत पाने वाले हैं, ऐसे ही डगर पे चलने वाले हैं। फजलम मिनल्लाह व निमा, ये अल्लाह तबारक व तआला के फजल से और उसकी मेहरबानी से। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह बड़ी हिकमत वाला, अल्लाह बड़ा इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। गुज़श्ता हफ्ते ये बात आ चुकी है, जब कबीले बनू मुस्तलिक के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की वसूलियाबी के लिए एक सहाबी को भेजा था, और बनू मुस्तलिक के लोगों ने अपने घर से बाहर निकलकर शहर के किसी किनारे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की शाया निशान तादीम और तकरीम करने के लिए तलवार वगैरह निकाल कर उनका इस्तकबाल करने के लिए शहर के बाहर खड़े हो गए। इन्हें समझ में आया कि लोग हमारे खिलाफ तलवार कशी कर रहे हैं, वहां से जब भाग आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दिया, वो तो ज़कात क्या देंगे, वो हमारे खिलाफ तो फौज कशी करने के लिए तैयार है। इसके नतीजे बदगुमानी पैदा हो गई, सहाबा इकराम के दरमियान ये बात आई तो सहाबा ने कहा कि उनसे लड़ना चाहिए, आपके मेहमान के साथ उन्होंने गद्दारी की है, वफादारी नहीं की है, ज़कात उनको वसूल अदा करना था, उसके खिलाफ वर्दी की है, उनसे लड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश नहीं थी लड़ने की या अपना फौज भेजने की, लेकिन सहाबा इकराम का जब दबाव हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हामी भर दी और लोगों को कुछ भेज भी दिया। इसी बीच में बनू मुस्तलिक के लोग ज़कात वगैरह लेकर खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पहुँच गए और उन्होंने हालात की तफसील बतलाई कि हम लोग उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करना नहीं चाहते थे, हमको इस्तकबाल करने के लिए आ रहे थे, लेकिन इन्होंने पुरानी चीज को याद रखा, उन्हें लगा कि शायद हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपकी खिदमत में आगे इस तरह की बदगुमानी फैला दी है, तो मसला उधर से हल हो गया, इधर से आप तो भेज चुके थे, उनको वापस कर लिया गया। इसे पुराने क्या कहा, इंजाकुम फासिकुम बिनबईन, जब कोई फासिक आपके पास खबर लाए तो पहले उसकी तहकीक कर लीजिए। अंतुसीबु कौमं बिजहालतिन फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, के ऐसा ना हो कि नादानिस्तगी में जहालत की बुनियाद पर किसी कौम के खिलाफ कोई फैसला आप ले ले और बाद में पता चले ऐसा कुछ नहीं था तो निदामत शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती, और वही वहां हुआ। चूंकि आप फौज को भेजना नहीं चाह रहे थे और सहाबा इकराम ने मजबूर कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी भेज दिया। उस वाक़े से मुतल्लिक आगे की आयत में तफसील है, वालमु जान रखो अन्न फीकुम रसूलल्लाह, कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। लव युतीउकुम फी कसीर मिन अल अम्र, अगर अक्सर मामले में ये तुम्हारी बात मान लेंगे, लानी तुम मुसीबत में और तकलीफ में पड़ जाओ। जैसे तुम्हारी बात मानी गई और फौज के कुछ हिस्सा तैयार करके बंद मुस्तलिक के खिलाफ भेज दिया गया, तो अल्लाह करना ये हुआ कि वो लोग उधर से आ गए, अगर वो लोग वहां से नहीं आए होते और ये मुसलमानों के खिलाफ ही फौज कशी कर दिए होते और बाद में वहां जाने के बाद पता चलता कि हम लोग तो ज़कात देने के मुंतजर इंतजार बैठे बैठे, वो तो आया ही नहीं, तो सिवाय निदामत और शर्मिंदगी कुछ हाथ उठाने नहीं पड़ता, तो सिवाय निदामत और शर्मिंदगी कुछ होता नहीं। तो फिर वहां आपस में आप लड़ाई होती, कुछ लोग इधर से मारे जाते, कुछ लोग उधर से मारे जाते, इसका नुकसान किसको होता, क्या अनित मतलब क्या होगा। इंसान मशवरा दे सकता है, मशवरा देने का मतलब यह हरगिज नहीं कि आपका मशवरा मान ही लिया जाए। अगर आप ये चाहते तो इसका मतलब कि वह मशवरा नहीं है, अब हुक्म दे रहे मेरी बात मानी आप। फिर अगर आप आम आदमी को मशवरा देते हैं वो
और एक आप नबी को मशवरा देते हैं वो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की जानिब से वही के इंतजार में रहते हैं, उन्हें वही के जरिए और पैगाम के जरिए रहनुमाई की जाती है, वो उसी दूर रस निगाह की बुनियाद पर फैसला करने में तामुल करते हैं, जल्दबाजी फैसला नहीं लेते। लेकिन तुम लोग जज्बाती होते हो और जज्बाती अंदाज में ये काम कर लेते और करा लेते हो। अगर तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा हो गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वहां नहीं रही, लेकिन तुम लोग जिद के नतीजे में इस तरह कर लिया गया, तो परेशानी किसको पड़ेगी? तुम्हें लोग परेशानी पड़ेगी। इस मनासब से कहा गया कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है, जब रसूल मानते हो तो रसूल अपना फैसला अपनी जानिब से नहीं करते, वो अल्लाह तबारक व तआला की वही का मुंतजिर रहते हैं, वहां जो हुक्म मिलता है उसके मुताबिक वो अमल करते हैं। तो आप उन पर किसी अंदाज से जबरदस्ती नहीं कर सकते, और अगर जोर जबरदस्ती करके आपने बात मनवा लिया, अभी का नुकसान होगा। इसी अंदाज से मौजूदा तमाम दौर और समाज में कोई इंसान जज्बाती एतबार से कोई फैसला करता है और आपके दरमियान आलिम मौजूद है, वो बहुत सारी नाहियतों से और गोशों से उन चीजों की संगीनी को समझता है, वो फैसला लेने में तामुल करता है, बर्दाश्त करता है, मौका लेता है। आप जैसे जज्बाती लोग कहेंगे ना अभी ये फैसला ले लीजिए, तो आपने फैसला जबरदस्ती दिलवा दिया, नतीजे के तौर पर उसका गुना आपको उठाना पड़ेगा और दिक्कतों परेशानी का सामना आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने दो चार आयतें पढ़ के फैसला सुना दिया, फतवा दे दिया। एक आयत आपने पढ़ी, फौरन फतवा दे दिया। उलमा फतवा देने में वो मुतअम्मिल होते हैं, तामुल करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, मौका और मोहलत लेते हैं कि और भी बहुत सारी आयतें हैं, उन तमाम आयतों का मफहूम मुराद क्या है, उन आयतों की रोशनी में जो मसला निखर के आता है वो मसले की वदात करते हैं। इसने फरमाया कि अगर तुम्हारे दरमियान अहले इल्म हो तो अपनी जानिब से बक बक करने के बजाय अहले इल्म के फैसले का इंतजार करो, आप मशवरा दे सकते हो। अगर आपका मशवरा सही होगा तो माना जाएगा, मशवरा सही नहीं होगा तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। इस पर आपको दिल बर्दाश्ता भी नहीं होना है और तकलीफ महसूस नहीं करनी है कि मेरी बात नहीं रही। अगर ये सोचते हैं तो ये मशवरा आपका नहीं हुआ, ये मुतहक्कमाना तौर से आपने अपनी बात को मनवाने की कोशिश की, और आमतौर से ये लोग करते हैं और इसी के तरह से बिगाड़ पैदा होता और इख्तलाफ रूनमा होता। ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم سارے صحابہ کرام سے متعلق اللہ کا فرمان ہے لیکن اللہ نے تمہارے لیے یا تمہاری نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا یعنی ایمان سے تمہاری محبت ہے تم نے اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا तो महबूब अमर समझ के ईमान लाए, और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इसे महबूब बनाया। दूसरी बात, वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में उसकी जीनत उसे आरास्ता और पैरास्ता करके पेश कर दिया। एक इंसान जाहिरी तौर से किसी चीज को समझता है कि सही है, लेकिन दिन में उस सिलसिले में कुरन महसूस होती है तो खुश दिली के साथ वो काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही चीज उसके दिल में रच बस जाए और दिल से उसे सही समझ ले और दिल ने उसे गवाही दे दिया कि अमल बड़ा अच्छा और खुशनुमा है, तो फिर वो इंसान जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करता है। वो करता क्या है, दिल से किसी चीज की तादीम भी करता है और दिल से किसी चीज का एहतराम भी करता है और उसके साथ दिल लगाकर सही आमाल बजा लाने की कोशिश भी करता है। तो सहाबा की निगाह में ईमान महबूब चीज भी है और ईमान को उनके दिलों में अल्लाह ने मुज़य्यनो आरास्ता पैरास्ता करके डाल भी दिया। यही वजह है कि सहाबा इकराम ने जंगो जिदाल के मौका पर, जिहाद और किताल के मौका पर अपनी जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं किया। वो समझ रहे थे कि जिस ईमान का मुतालबा अल्लाह हमसे कर रहा है उस ईमान का तकादा यह है कि अल्लाह के नाम पर लड़ा भिड़ा जाए और अपनी जान का नजराना पेश करके जाम शहादत नोश कर लिया जाए। यही वजह है, चूंकि मुनाफिकों के दिल में ईमान जागुजी नहीं होता,
वो सरसरी तौर से ईमान कबूल करते हैं और दुनियावी रख रखाव के एतबार से उनके दिल में ईमान होता है, इसलिए उस ईमान की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार नहीं होते। तो सहाबा और मुनाफिकीन के ईमान में फर्क था कि सहाबा के दिल में ईमान को मुतय्यन कर दिया गया था और सहाबा दिल से ईमान को महबूब समझ रहे थे, इसलिए वो जिहाद और क़िताल के लिए भी तैयार हो जाते थे, और मुनाफिकीन अपनी जबान से ईमान का इजहार किया था और दिलो दिमाग में ईमान रचा बसा नहीं था। इस मुनासिबत जब हालात दिगर गुम होते और जंग की नौबत आ जाती, ये लोग दाएं बाएं देख कर भागने की कोशिश करते क्योंकि उनकी निगाह में ईमान की कोई अहमियत ही नहीं थी। दूसरी चीज, वकर रहा इलैकुम अल-फुसूक वकर रहा इलैकुम अल-कुफ्र वल-फुसूक वल-इसयान। जो इंसान ईमानदार होता है वो कुफ्र करने को नापसंद करता है, जो ईमानदार होता है वो मुत्तकियों परहेजगार बनता है, फिस्क व फुजूर और गुनाह कामों से दूर रहता है। जो ईमानदार रहता है वो इताअत व फरमा बरदारी करता, मासियत व नाफरमानी से गुरेज करता है। तो अल्लाह ने अहले ईमान के दिल में कुफ्र को, फिस्क को और नाफरमानी को नफरत के लायक बनाकर पेश कर दिया। यानी मोमिन कुफ्र से भी नफरत करते हैं, फिस्क व फुजूर से भी नफरत करते हैं और मासियत व नाफरमानी से भी नफरत करते हैं, जबकि अहले ईमान ईमान से महब्बत करते हैं, फरमा बरदारी सुल्फत रखते हैं और एतात फरमा बरदारी करना उनका शेवा हो जाता है। उलाएकुम अर-राशिद, ऐसे ईमान वालों को अल्लाह ने कहा यही लोग दुरुस्त रास्ते पर हैं और सही रास्ते पर हैं। जो इंसान ईमान की कदर करता है और अपने दिल को उसकी अहमियत को, दिल से उसकी अहमियत को समझता है, और जो इंसान कुफ्र को और फिस्क व फुजूर को और मासियत व नाफरमानी को नफरत की निगाह से देखता है, वो दर हकीकत अल्लाह के फ़द्ल व करम से और उसकी मेहरबानी से हिदायत के रास्ते पर कायम व दायम है और उस पर काम चले। सहाबा इकराम ने गोया, अल्लाह तबारक व तआला ने गोया सहाबा इकराम के ईमान की जमानत भी दे दी है और साथ साथ कहा ये अल्लाह के फ़द्ल व करम से राह रास्त पर कायम व दायम भी। अब अगर कोई इंसान सहाबा किराम के खिलाफ हरदा सराई करता हो, उनकी शान में गुस्ताखी करता हो, उनके खिलाफ जबान दराज करता हो, उनके खिलाफ बदतमीजियाँ करता हो, उनके खिलाफ गलत किस्म के जुमले बोलता हो, चाहे सारे सहाबा के बारे में बोले चाहे किसी एक सहाबी के बारे में, वो इंसान दर हकीकत गुमराही से दो चार है और कुरान मुकद्दस की आयत के इनकार करने के नतीजे में गुमराही के दलदल में पड़ा हुआ है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह बड़ा इल्म वाला बड़ी हिकमत वाला है। किसके यहां ईमान कितना है, किस हद तक जागुजी है, कितनी गहराई तक ईमान किया हुआ, किस इंसान के ऊपर सच्ची ईमान है, कौन इंसान सरसरी एतबार से ईमान लाया, अल्लाह इन तमाम हकीकतों को जानने वाला है। अलावा इसके अगर कोई इंसान सच्चियत से ईमान लाया, ऊपर मन से ईमान लाया, जाहिरी रख रखाव में ईमान लाया, तो ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक बताना अपने इल्म की बुनियाद में सजा दे सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक बताना चूंकि हकीम है और अल्लाह की हिकमत का तकाज़ा है कि ऐसे इंसान को मोहलत दी जाए ताकि वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करके अपने आप को इसलाह कर ले और अपनी दुरुस्ती का खास ख्याल कर ले। फरमाया कि अल्लाह जानने वाला भी है और अल्लाह हिकमत वाला भी है। وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ। और अगर मोमिनों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े, एक ददल हो आपस में किताल कर ले, जंग कर ले, लड़ाई कर ले, फासलिहू बैनहुमा, तो दूसरे लोगों से कहा गया इन दोनों लड़ने भिड़ने वाली जमातों के दरमियान सुलह करा,
मुसलमानों की दो बस्ती लड़ रही है, मुसलमानों की दो जमात लड़ रही है, मुसलमानों में से दो ग्रोह लड़ रहे हो, सारे लोग तो लड़ते नहीं है, कुछ ही लोग लड़ते हैं। तो कहा कि जो लड़ने वाले दो लोग हैं इन दोनों के दरमियान सुलह सलामती करा देना, उन लोगों का काम है जो लड़ते भिड़ते नहीं है। तकवा बगैर हम तो लड़ाई से दूर है, ये आपका तकवा ही नहीं है। मुसलमानों की दो जमातें आपस में बाहम दस्तों की निभा है, खुरेदी तक की नौबत आ रही है, फितनो फसाद फैल जा रहा है, इख्तलाफात पढ़ने के नतीजे में कत्लो गारत गरी का बाजार भी गर्म हो रहा है और तुम बैठे तमाशा देख रहे हो, ये ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी का तकादा के आगे बढ़ो और इन दोनों दरमियान, इन दोनों ग्रोहों के दरमियान सुलह सलामती करो। क्या फरमाया, वह इन तौइफतानि मिनल मुमिनीन, मोमिनों के दो ग्रोह अगर इख्ततलू आपस में लड़ भीड़ जाए, फासलहु बैनहुमा, तो इन दोनों ग्रोहों के दरमियान तुम सब मिलकर इस्लाह कर दो, सुलह सलामती करो। फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, अब आपके समझाने बुझाने के बावजूद इन दोनों ग्रोह में से एक ग्रोह ज्यादती कर रहा है, ये समझाने वाले की बात को समझ भी लिया और ये समझने के लिए तैयार नहीं और अपनी जानिब से ज्यादती कर रहा है ये ग्रोह, तो कहा इस ग्रोह को भी शामिल करो और बाकी जो दूसरे लोग हैं सब मिल करके इसके खिलाफ लड़ो। कि पूरी जमीयत की बात क्यों नहीं मानता, इस्लाह करने वाले इंसान की गुफ्तगू पर ये गौर फिक्र क्यों नहीं करता और उसकी बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं। इसका मतलब है कि सरकशी इसी की जानिब से हो रही है, वो तो बात सुनने के लिए तैयार है, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कहा जो सुनने के लिए तैयार उनको साथ लीजिए और इनको छोड़िए, बाकी दूसरे सारे लोग मिल करके इसके खिलाफ लड़िए ताकि इसका जोर टूट जाए, समझ में आए कि सब हमारे मुखालिफ हैं। क्या फरमाया, फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, उन दोनों में से किसी एक ने दूसरे पर ज्यादती कर दी, बात चली रही थी, उठापटक कर दिया, मारपीट कर दी, सुलह सलामती गुफ्तगू हो रही है और चिल्ला चिल्ली करा दी, तो आप हो गए फितना बरबर। अब आप एक सिप्त हो जाइए, इनके इस गुरु के साथ मिल करके आपसे दोबारा लड़ी आएगी और ये सब लड़ेगी। कितनी अहम बात बताएगी, क्या फरमाया, فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله, उस ग्रोह से उस वक्त तक लड़ते रहो यहां तक कि वो अल्लाह के फैसले के सामने सरेंडर कर जाए। जो ठीक है भाई, जो अल्लाह का फैसला होगा, रसूलुल्लाह का फैसला होगा, हम वही मानते हैं। अगर मानने के लिए तैयार ना हो उससे सब मिल के लड़े। कहा बस कितार करो उससे, जो ग्रोह बगावत करता सरकशी करता है, यहां तक कि वो अल्लाह के फैसले की तरफ लौट आए कि भाई जो अल्लाह उसके रसूल का फैसला होगा वही मानते हैं, यानी न अमीर की बात मानता है, न सरबरा की बात मानता है, न पूरी जमीयत की बात मानता है, लड़ने मिलने के लिए तैयार है। तो कहा दो जमात लड़ रही है, एक जमात आपकी बात मानने के लिए तैयार है, दूसरी जमात मानने के लिए तैयार नहीं, सब मिलकर उसी नहीं मानने वाली जमात के खिलाफ लड़िया। फैन फात, फिर क्या सुनो, अब इस इज्तिमाई कोशिश के नतीजे में उनसे लड़ना हो गया, देखा कि सबका मुकाबला तो कर नहीं सकते हैं, एक छोटी जमात से हमारा मुकाबला हो जा रहा था, अब पूरी जमीयत से मुकाबला कैसे करेंगे। तो क्या ऐसा करो, अगर वो सरेंडर कर जाते हैं और अल्लाह उसके रसूल के फैसले को मानने के लिए तैयार हो जाते, अब ऐसा मत करना कि तुमने बात क्यों नहीं मानी, अब तुमसे लड़ते रहेंगे, नहीं। कहा फैन फाअद, अगर ये रुजू कर ले, अपनी गलती को मानकर अपनी इसलाह करने के लिए तैयार हो जाए, फ़असलहु बैनहुमा बिल अदल, तो इन दोनों के दरमियान अदल इंसाफ के तकादा के पेश नजर इसलाह करो, जो सही है जो सही है, जो गलत है गलत है, और इन दोनों के दरमियान फैसला करो अदल इंसाफ के साथ। फिर फरमाया व अक्सतु, और इंसाफ का दामन छोड़ना मत, क्यों कहा कि कुछ देर पहले तक ये आपसे भी लड़ने के लिए तैयार हो गए, अगर आपके अंदर अनानियत आ जाए, आपके अंदर हसद और गजब आ जाए, गुस्सा आ जाए कि हमको भी बख्शा इसने नहीं,
चलो हमें मौका मिला फैसला करने का, हम इसके खिलाफ ही फैसला कर देंगे। कहा नहीं, कुरान मुकद्दस ने तालीम दी है कि ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू इदलू अक़रबु लित्तक़्वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी करने पर ना उबाले, बल्कि इंसाफ से काम लो, इंसाफी तकवा की दादा करी। तुमने ये देखा दो जमात लड़ रही थी, एक जमात आपकी बात मान ली, दूसरी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इस सिलसिले में नफरत आपने दिले बैठा लिया, ये तो बड़ी सर्कस किस्म के लोग हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जब ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका और फैसला करने के लिए तैयार हो चुके हैं, हम इनके खिलाफ ही फैसला कर देंगे। अगर वो सही पर है फैसला उसी के हक में जाना चाहिए, और अगर गलत है तो फैसला कभी उनके हक में नहीं आना चाहिए। अब अगर आपने उस रंजिश की बुनियाद पर कि आपकी बात नहीं मानी गई थी, आपसे लड़ने मिलने के लिए तैयार हो गए थे, और फिर मौका मिला तो उनके खिलाफ फैसला सुना देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। उसी को फरमाया फइन फाअत, अगर वो अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौट आए कि फैसला किताब सुन्नत से होना चाहिए और आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए, फैसलु बैनहुमा बिल अदल, तो इन दोनों के दरमियान अदल इंसाफ के साथ फैसला कर दीजिए। व अक्सतु, और इंसाफ का हमेशा ख्याल रखिएगा। ये मुसलमानों को अहले ईमान को बाद अब तक ताकीद की गई, क्यों? इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक्सितीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाले को दोस्त रखता है। अगर कोई इंसान वक्ती तौर से अदावत और दुश्मनी के बुनियाद पर बेइंसाफी से काम लेता है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए जिसके खिलाफ आपने बेइंसाफी का काम लिया है वक्ती तौर से उनको नुकसान पहुंचा देंगे, ज्यादा ज्यादा दुनियावी एतबार से नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन आखिरत में जब अल्लाह तबारक व तआला के कटहरे में खड़े होंगे और आपका नाम अमाल आपके सामने पेश किया जाएगा, यह असबियत थी, ये जज्बात थे, ये नफरत थी जिसकी बुनियाद पर तुमने फैसला किया है, हौसला माफी सुदूर तुम्हारे सीनों के जज्बात को और उसके इरादे और नियत को निकाल के लोगों के सामने रखा जाएगा, तब पता चलेगा तुमने हरकतें क्या की थी, उसके अंजाम कितना खतरनाक है। इसलिए फैसला करने वालों से भी कहा गया अब इंसाफ के दामन को थामे रखिएगा, उसी में तुम्हारा फायदा है। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाले को दोस्त रखता है, इंसाफ के बिलमुकाबिल जालिम होता है, और जालिम अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में कभी महबूब नहीं हो सकता। इसलिए जुल्म करोगे, छोटा जुल्म बड़ा जुल्म हो, उसके नतीजे में सजा और तकलीफ तुमको भुगतना पड़ सकती है, इसलिए अगर उससे बचना हो इंसाफ से काम। इन्नमल मुमिनून इख्वा फासलहु बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। समाजी एतबार से मुस्लिम सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, चूंकि पूरी दुनिया मुस्लिम सोसाइटी एक है, सारी दुनिया के मुसलमानों के आपस में तालमेल कैसे होने चाहिए, उनके ताल्लुकात किस तरह उस्तवार होना चाहिए, इसे एक छोटी आयत में अल्लाह ने उसकी ताकीद फरमा दी। तो फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन सारे के सारे भाई भाई हैं। ईरान में रहे कि तुरान में रहे, हिंदुस्तान में रहे कि जर्मनों जापान में रहे, दुनिया के किसी किनारा खत्ता में रहे, सारे मुसलमान इस्लाम की बुनियाद पर रिश्ते उखुवत से मुंसलिक कर जुड़े हुए हैं, सब एक है। दुनिया के किसी खत्ते मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो आपको उसका ठीस अपने सीने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर महसूस करना चाहिए, यह है भाई होने का नतीजा। जिस तरह सगा भाई तकलीफ में हो आपको तकलीफ होती है, सगे भाई से भी ज्यादा रिश्ता मजबूत होता है दीनी उखुवत और रिश्तेदारी का। दीन की बुनियाद पर साहबा ने अपने बाप को और अपने भाई को और अपने रिश्तेदार को मैदान जंग में तह तह किया है। इस बुनियाद पर कि दीन हमारे सिखाता नहीं है कि हम रिश्तेदारी कायम रखें, दीन हमें सिखलाता है कि दीन की बुनियाद पर रिश्तेदारी कायम रखें। अगर दीन नहीं है तो कोई रिश्तेदारी नहीं, और दीन है तो सारी रिश्तेदारी है। तो काला कलोटा गुलाम भी बन जाता है सैयदना, बाहर से आया मुसाफिर ही बन जाता है घर का फर्ज, लेकिन दो भाई घर में रहते हैं, दीन नहीं है, एक दूसरे से मुतनफिर होते हैं, कत्लो कताल की का बाजार गर्म होता है, भाई भाई को कत्ल कर देता है। तो फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई है।
जिस तरह भाइयों में इख्तलाफ होता है तो बाप की जिम्मेदारी होती है, समाज मुआशरे की जिम्मेदारी होती है, दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया जाए। इसी अंदाज से किसी मुसलमान का मुसलमान से इख्तलाफ होता है, दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है इन मुसलमानों के दरमियान सुलह सलाह दी करा दें, इनफरादी तौर से हो या इज्तिमाही तौर से हो, चंद लोग के मुखालिफ हो जाए, उनके दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा किया जाए। एक बस्ती दूसरे वाले, एक बस्ती मुसलमान बस्ती दूसरे मुसलमान बस्ती से वहाँ कुछ तो खून का बाजार गर्म कर दे, क्या उनसे लड़ने फिरने की जरूरत नहीं है, सुलह सलामती करती। एक मुस्लिम मुल्क दूसरे मुस्लिम मुल्क से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तमाम दूसरे मुस्लिम ममालिक की जिम्मेदारी होती है कि बीच में दखल अंदाजी करके मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात को बहाल कर दिया जाए। ये इस्लामी तालीम है, मगर अफसोस की बात यह है कि हम घर से उसके सिलसिला शुरू नहीं करते हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में दोस्ती कायम किस तरह कर सकते हैं और अख़ुवत का मामला कैसे सजा सकते हैं, बना सकते हैं। क्या फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फैसलहू बैन अख्वैकुम, सुनो तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, इन दो भाइयों के दरमियान इसलाह कर दो, सुलह सलामती कर दो। और हदीस रसूल क्या है, लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, वो इंसान झूठा नहीं है जो झूठ बोलकर दो इंसान के दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा करा देता है। एक इंसान आपको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, लेकिन बीच में खड़ा बोलता है हम उसके पास गए आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, हम इसके पास गए वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, हालांकि बहुत गाली दिया, बहुत ही जान बगा की मैं तो चुगली खाई लगाई बुझाई किया, लेकिन आ गया तेरे तो आदमी आपके लिए बड़ा बड़ा लड़ रहा था, बड़ी तारीफ कर रहा था। क्या झूठ बोलकर अगर दो फरीक के दरमियान आप इस्लाह करा देते हैं, ये झूठ नहीं है, इसका झूठ नहीं लिखा जाएगा, इस पर झूठ का गुनाह नहीं लिखा जाएगा। और अगर कोई ऐसा सच है जो सच है लेकिन उस सच के नतीजे में आपस में इख्तलाफ बनता है तो वह गुनाह का काम हो जाता है। आज मुसलमान इसको समझता नहीं है, अगर किसी के खिलाफ किसी किस्म की बात सुन ली जाती है तो इंसान सुनता चला जाता है, घंटों सुन रहा है, खड़े खड़े सुन रहा होता है, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या चिलचिलाती धूप, उसकी परवाह नहीं है, एक इंसान के खिलाफ मजा लेने के बाद सुनी जाती है और किस तरह दोनों में नफरत हो जाए, उसे हवा दिया जाए। जबकि मुसलमानों से कहा गया हवा देने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात अगर सुनोगे तुम गुनाहगार खुद होते हो, और जिसके खिलाफ तुम बात सुन रहे हो तो तुम्हारी नेकियां उनके चली जा रही होती है, उनके गुनाह मिट रहे भी होते हैं, उनका तो दोनों आदमी लड्डू है, अपना नुकसान क्यों करते हो। फिर फरमाया फैसलहू बैन अख्वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, इसलाह करा दो, दुरुस्तगी करा दो, जो उनके अंदर तालमेल की खराबी पैदा हो गई उसे मेल मिलाप कर दो, जो आपस में झगड़ा चल रहा है उसे मोहब्बत में तब्दील करा दो, तारीफ करो उसकी, उसके सामने उसकी तारीफ करो, उसके सामने उसकी तारीफ करो, और दोनों को मेल मिलाप करा दो। ये इस्लामी तालीम है। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। अगर दो जमात को लड़ते हुए आपने देखा और इन दोनों के दरमियान सुलह सलामती कराने की कोशिश नहीं की तो अल्लाह की पकड़ से डरो, ऐसा ना हो उन दोनों को सजा तो बाद में मिलेगी, आप तकवा बखाड़ रहे हैं कि हम चीजों से अलग हैं, अल्लाह की गिरफ्त पहले आप ही आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप पकड़े जाएंगे, कि अपने आप को बड़ा अच्छा समझाता जो लड़ता है लड़ रहे हम हो क्या जाता है, फिर अल्लाह दोबारा बता रहे कि निगाह में हम मकसूब हो जाएंगे, अल्लाह की पकड़ से आप बच नहीं सकेंगे। फरमाया वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, और अगर अल्लाह से डरते हो तो सलाह सलामती की बात करो, आपस में हवा मत दो, इख्तलाफ और बिगाड़ को बढ़ाओ मत बल्कि जोड़ने की कोशिश करो, अगर करते हो ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं करते हो तो सुनो वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, डरो अल्लाह से ताकि तुम पर रहम किया जाए, अल्लाह से डर कर कि दो मुसलमान गुरोह में इख्तलाफ चल रहा है, अगर बीच में दखल अंदाजी हम नहीं करते और हम मेल मिलाप की बात नहीं करते और इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले जाते हैं और नफरत की खलीज बढ़ती चली जाती है, उसे पाटा नहीं जाता और दुश्मनी का वो सिलसिला शुरू होता है कि वो खानदान दर खानदान उसके अंदर झुलस जाते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ का इंतजार करो। और अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर है और अल्लाह के डर से सोचते हो कि नहीं या आपस के ताल्लुकात इनकी बिगड़ने नहीं चाहिए, आप दखल अंदाजी करते हैं और इनके दरमियान सुलह सलामती कराते हैं,
तो अल्लाह तबारक बताला के रहम करम के हकदार और मुस्तहिक बनते हैं। इसलिए क्या फरमाया, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। इंसान अल्लाह से रहम की भीख मांगता है, जबान से कहता है अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, और जिन जराए से रहम मिलेगा वो करने के लिए तैयार नहीं। जैसे एक इंसान पानी, प्यास लगी है, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, अब वो टंकी में पानी है, नल में पानी है, पानी मेरे मुंह में आ जा, पानी मेरे मुंह में आ जा, पानी मेरे मुंह में आ जाएगा। अरे पानी के दौर में जाइए, पानी के पास पीजिए आप, ए पानी मेरे मुंह में आ जा, ए अल्लाह मुझे रहमो करम चाहिए, अल्लाह की रहमत की भीख मांगते हैं, तो रहमो करम किस बुनियाद पे नाजिल होगा? उस रहमत की छावनी में जाना पड़ेगा और अल्लाह तबारक बताला की रहमत को हासिल करना होगा। जिन अमाल के करने के नतीजे में रहमतें मिलती हैं उन अमाल को बजा लाना होगा। आपस के इख्तलाफ को बढ़ावा देने के नतीजे में अल्लाह की रहमत नहीं आती, अल्लाह का गजब नाजिल होता है, तो गजब वाले अमाल करते हैं और अल्लाह की रहमत की भीख मांगते हैं। अगर आप चाहते हैं रहम व करम, तो उन अमाल को बजा लाइए कि जिसके नतीजे में अल्लाह की रहमतों का बरखा बरसता है। पुरानी मजलिस के बारे में कहा गया, जहां दीन की बातें होती हैं, पुरानी बातें होती हैं, अल्लाह की किताब को पढ़ा जाता, उसकी दर्स तदरीस की जाती है, हफ्फतहुमुल मलाइका व गश्यतहुमुर रहमा व नज़ल अलैहिमुस सकीना, उस पर सकीनत इत्मीनान नाजिल होता है, उस पर रहमतों का बरखा बरसता है, फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं, उनके लिए मगफरत की दुआएं होती हैं, उनको माफ कर दिया जाता है। अब भागेंगे मजलिसों से, सोचिएगा, सोचिएगा अल्लाह की रहमतें हमें मिल जाए, काज मिले। तो जिन जिन जरा या असबाब से अल्लाह की रहमतें मुमकिन होती है और अल्लाह की रहमतें इंसान को मिलती है, आप अल्लाह की रहमतों के लिए उन मजलिसों में शिरकत कीजिए और उन आमाल को बजा लाने की कोशिश कीजिए। फिर अल्लाह तबारक तआला से दुआ भी कीजिए, अल्लाह दुआ भी सुनेगा, और जो असबाब तुम्हारे लिए पैदा किया है उस असबाब के इख्तियार करने के नतीजे में रहमतों के समंदर में गोता जनी का तुम्हें मौका भी अता फरमा देगा। अल्लाह हमें भी और आपको भी, तर्जुमला मुसलमानों को भी, ज़िंदगी के तमाम तरशबाजात में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में अकीदा और आमाल बजा लाने की तौफीक बरकत फरमाए। आमीन।